वेलकम बैक माय चैनल। आई एम नेहा वाचिंग बिलीव इन थेरेपी। सो टुडे वी आर लर्निंग अबाउट फॉर ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स में हम चैप्टर 4 लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्प्लिंट एंड ट्रैक्शन। सो स्प्लिंट एंड ट्रैक्शन का क्या होता है, ये हम समझ लेते हैं। स्प्लिंट का हम यूज़ करते हैं इमोबिलाइज फ्रैक्चर के लिए। किसी भी एरिया पे, कोई भी ज्वाइंट पे फ्रैक्चर हुआ है या हमारे कोई सी बोन में फ्रैक्चर हुआ है, तो उसे हम इमोबिलाइज करके रख सके, जिससे कि हीलिंग प्रोसेस जल्दी से हो सके। इसके लिए हम स्प्लिंट का यूज़ करते हैं। तो स्प्लिंट यूज इमोबिलाइज फ्रैक्चर। एंड सेकेंड पॉइंट है, दे आर ऑल्सो यूज इन अदर ऑर्थोपेडिक्स कंडीशंस लाइक इन्फेक्शन, डिसलोकेशन ऑफ हिप। मीन्स हम इसे और अदर कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ है, बहुत टाइम से कोई इन्फेक्शन है, या कोई भी जॉइंट पे डिसलोकेशन हुआ है, तो हम उसके लिए स्प्लिंट का यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिंट का यूज़ करने से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेशेंट को, कोई भी साइट ऑफ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ से लेके हॉस्पिटल ले जाना है, तो हम उसके लिए उसमें स्प्लिंट का यूज़ करते हैं। तो स्प्लिंट के टाइप देख लेते हैं। स्प्लिंट के टाइप क्या क्या होते हैं? फर्स्ट टाइप है क्रैमर वायर स्प्लिंट। क्रैमर वायर स्प्लिंट क्या होता है, इसका यूज़ बेसिकली हम करते हैं टेम्पररी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मींस क्या होता है, जब भी हम इस टेम्पररी यूज़ करेंगे, मींस कहीं भी इस किसी एरिया पे एक्सीडेंट हुआ है सडनली, तो वह एक्सीडेंट हो गया पेशेंट का, तो क्या करें, कोई भी वहाँ है तो वहाँ पे क्रैमर वायर स्प्लिंट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम आसानी से पेशेंट को वहाँ से हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर सकें। तो जो स्प्लिंट होता है क्रैमर वायर, वो टू थिक पैरेलल वायर से मिलकर बना होता है। ये हमारे जो वायर हो गए, और ये यहाँ से इंटरलेसिंग वायर होती है। ये क्या करता है, जिस एरिया पे डिसलोकेशन है, पेन है, तो वहाँ पे हम इसे यहाँ पे सपोर्ट दे सकते हैं पेशेंट को। मीन्स इसके थ्रू हम मतलब पेशेंट को उठाएंगे तो इमोबिलाइज रहेगा जिस भी एरिया पे इंजरी है, डिसलोकेशन है। तो ये हो गया हमारा क्रैमर वायर स्प्लिंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्प्लिंट है थॉमस नी बैड स्प्लिंट। मीन्स थॉमस स्प्लिंट का यूज़ का क्या करते हैं, जब भी पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, तो हॉस्पिटलाइज में हम ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। पेशेंट के जो भी फ्रैक्चर हुआ है बोन में या जॉइंट पे, तो उसे इमोबिलाइज करके रख सकें। मीन्स इनिशियली जैसे कि हमारे जो नी ज्वाइंट है वहाँ पे ट्यूबर क्लॉसिस है, तो उसको इमोबिलाइज करके, हिप ज्वाइंट है वहाँ डिसलोकेशन हुआ है, तो उसे हम इमोबिलाइज कर सकते हैं। ये हम लोअर लिम्ब के लिए ही यूज़ करते हैं। पार्ट्स क्या होते हैं थॉमस स्प्लिंट के, हम ये देख लेते हैं। थॉमस स्प्लिंट हैज़ ए रिंग एंड टू साइड वॉज ज्वाइंट डिस्टली नॉज। मीन्स क्या है, मीन्स जो हमारी थॉमस स्प्लिंट होती है उसके पास है एक रिंग होती है एंड दो बार होते हैं, एक इनर बार हो गया, एक आउटर बार हो गया। तो ये हमारा डायग्राम है थॉमस स्प्लिंट का। जो थॉमस स्प्लिंट की जो रिंग होती है उसका जो एंगल होता है 120 होता है इनसाइड बार। ये जो हमारा एंगल है, यहाँ पे एंगल है 120 का इनर बार में, और जो रिंग का साइज़ होता है वो 2 इंच का होता है। जो हमारी ये रिंग का साइज़ है वो बीच में 2 इंच का है। एंड जो हमारी थॉमस स्प्लिंट है, मेजरमेंट करते हैं हम हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मीडियल साइड ऑफ ग्रोइन अप टू हील प्लस 6 इंच। मींस हम जो थॉमस स्प्लिंट का मेजरमेंट करते हैं, वो हम करते हैं जहाँ हमारा ग्रोइन एरिया होता है, ग्रोइन एरिया मीडियल साइड पर, जहाँ ये कर्व फॉर्मेशन है वहाँ पे मीडियल साइड है, हम जो ग्रोइन एरिया उससे थोड़ा सा 6 इंचेस अब हम थोड़ा सा इसका यूज़ करते हैं। सो इसके यूजेस देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा इमोबिलाइजेशन ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब को इमोबिलाइज करने के लिए हमारा हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, फीमर हो गई, लेग हो गया, उसको सपोर्ट कर लिए, थाई एंड लेग एंड सपोर्टेड। तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। ये हमारा थॉमस स्प्लिंट हो गया, ये आउटर बार है, इनर बार, एंड ये नॉच है जहाँ से हम इसे डिजिटली होता है नॉच, एंड ये हमारा रिंग है। नेक्स्ट स्प्लिंट है हमारा बॉलर ब्राउन स्प्लिंट। बॉलर ब्राउन स्प्लिंट क्या होता है, देयर आर 3 नंबर्स ऑफ पुली। 3 नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, एंड द टैक्सन गिविंग फॉर डिफरेंट फ्रैक्चर इट हैज़ नो रिंग। मीन्स जो हम टैक्सन देते हैं उसमें जो भी डिफरेंट फ्रैक्चर्स होते हैं वहाँ टैक्सन देते हैं, पर इसके पास कोई रिंग नहीं होती है, जैसा कि हमारे थॉमस स्प्लिंट में था। रिंग कॉज डिस्कम्फर्ट ऑफ बोनी सरफेस। रिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट देती है, जो भी हमारे बॉडी सरफेस होते हैं, बोनी प्रोमिनेंस एरिया होते हैं, वहाँ पर डिस्कम्फर्ट फील होता है,
कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई इन्फेक्शस है, तो ये जो मोलर ब्राउन स्प्लिंट होता है, इसे पुलीज लगे होते हैं। पुलीज के द्वारा हम स्प्लिंट लगाते हैं, उससे हम ट्रैक्शन देते हैं अपने ज्वाइंट में और फ्रैक्चर्स में। सो नॉट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुटेबल नहीं है। इसका हम यूज़ पेशेंट को ट्रांसफर करने के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। कुछ और अदर कॉमन स्प्लिंट होते हैं जिनका हम ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं इमोबिलाइज रखने के लिए। कोई जो ज्वाइंट है या हमारी जो बोन है उसमें हीलिंग प्रोसेस को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। तो स्प्लिंट है जैसे कि हमारा क्रैमर बाइंड हो गया, अभी मैंने पढ़ा था, इमोबिलाइजेशन के लिए। जैसे कोई भी ज्वाइंट है और कोई फ्रैक्चर है उसे इमोबिलाइज रखने के लिए। एंड नेक्स्ट थॉमस स्प्लिंट, जो हमारे फ्रैक्चर्स होता है फीमर पे होता है, नी में है, तो उसके लिए हम थॉमस स्प्लिंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बोलर ब्राउन स्प्लिंट, इसमें अभी हम फ्रैक्चर्स फीमर के लिए यूज़ करते हैं, इसमें हम ट्रैक्शन देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट है एल्युमिनियम स्प्लिंट, एल्युमिनियम स्प्लिंट क्या होता है, फिंगर को इमोबिलाइज करने के लिए करता है। जैसे हमारी फिंगर में कोई फ्रैक्चर हुआ है तो वो इमोबिलाइज रहे, उसके लिए हम एल्युमिनियम स्प्लिंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉक अप स्प्लिंट, कॉक अप स्प्लिंट होता है रेडियल नर्व पाल्सी। हमारी रेडियल नर्व होती है वो इंजर्ट हो जाती है, तो उसको सपोर्ट के लिए हम कॉक अप स्प्लिंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नकल बैंडर स्प्लिंट, नकल बैंडर स्प्लिंट का अल्नार नर्व पे हम यूज़ करते हैं, अल्नार नर्व पाल्सी हो जाती है। नेक्स्ट है टो रेजिंग स्प्लिंट, टो रेजिंग स्प्लिंट में जैसे फुट ड्रॉप हो जाता है, किसी कोई भी पेशेंट आते, क्लाइंट आते जिनका फुट ड्रॉप होता है, तो इसके लिए हम टो रेजिंग स्प्लिंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरोप्लेन स्प्लिंट, एरोप्लेन स्प्लिंट का ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ कॉमन स्प्लिंट थे जो हम मेनली यूज़ करते हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं केयर ऑफ ए पेशेंट इन ए स्प्लिंट, जब भी हम स्प्लिंट अप्लाई करते हैं किसी पेशेंट पे तो हमें क्या क्या केयरिंग रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है स्प्लिंट शुड बी प्रॉपरली अप्लाइड, हाँ हमें अप्लाई करनी है प्रॉपर तरीके से। और जब भी हम स्प्लिंट का यूज़ करते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना है कि जो स्प्लिंट यूज़ किया वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है पेशेंट शुड बी इंकरेज टू एक्टिवली एक्सरसाइज, हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे पेशेंट है वो इंकरेज हो सके, मीन्स वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर सके एंड फिर से हेल्दी हो सके। एंड नेक्स्ट है डेली चेकिंग एडजस्टमेंट, और हमें एडजस्टमेंट चेक करना चाहिए कि हमने स्प्लिंट जो दिया है वो सही है, फिक्स है जिस भी ज्वाइंट पे दिया है कि नहीं है। और हमें एक्सरे भी कराना चाहिए पेशेंट का, जिससे कि हमें पता चले कि हम जो स्प्लिंट या ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो ये हमारा स्प्लिंट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।